जय बोलो तेलंगाना। बहनों और भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, गर्मी में मेरा इंतजार किया है और मेरे आने के बाद मेरा स्वागत इतने प्रेम से आपने किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तेलंगाना को माँ बोलते हैं। ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्शे पे बनाई हुई लकीर है। ये आपके लिए वो धरती है जिसे आप मां समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है जो एक बेटे या एक बेटी की अपने माँ के प्रति होती है। शायद आप हट जाए तो देख पाएंगे। इस धरती के लिए दिख रही है। इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। वीर श्रीकांता चार्या और सैकड़ों अमरवीरों ने तेलंगाना के लिए एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मित्रुलारा कोशिश करूंगी। तेलंगाना विद्यार्थी अमरवीरलू ए आकांक्षाल कोसम आत्मविलदानलू చేసుకున్నారు। ठीक बोला? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ ना उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा था कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले और सारी सुविधाएं मिले। वारंगल, रंगारेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर, महबूब नगर जैसे शहर भी हैदराबाद की तरह विकसित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशहूर हो। ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा फूले जी, कोमराम भीम जी का जो सपना है वो साकार हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समान हक मिले। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निदलू नियमा कालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटे, यहाँ की बेटियाँ इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी। इस देश के लिए इंदिरा अम्मा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियाँ एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज़ में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो मेरी माँ सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज़ क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और मुझे याद है कि एक सरल निर्णय नहीं था, एक तरह से एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीति के बारे में सोचती तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, आपकी इच्छा के बारे में सोचा, जो आंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे उसको सुना, समझा, और तभी ये निर्णय लिया गया। तेलंगाना जब बना तो ये स्पष्ट था कि ये प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तय करेगा। सबकी यही इच्छा थी और आशा थी कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा, कि जितनी आशाएं आंदोलन में व्यक्त की गई थी, जितने बलिदान दिए गए थे, उनका आदर होता। और सब चाहते थे कि चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, लेकिन तेलंगाना एक नया प्रदेश बना है, अपने आंदोलन से उभरा है। इसमें सब किसान, दलित, आदिवासी, जनता, युवा सब शामिल हुए। तो हम सब चाहते थे कि कैसी भी सरकार आए, चाहे हमारी सरकार भी ना हो, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी और कुछ बनाएगी और आपको विकसित बनाने के लिए दिन रात काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सपना और जो आपकी इच्छा थी नीरू निदलू नियमकालू की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है। सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है और सारी जो नौकरियां हैं यहाँ के युवाओं को मिलने के बजाय उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं। ये आपका सपना नहीं था। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े, इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया, इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। और इसीलिए जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया 2.5 लाख किसानों पर, आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है। और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली, नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3000 रुपये बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, टीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, उस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई हैं, जिसमें आपको लूटा जाता है और फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आधी जनता तो उसको दे नहीं पाती। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए 15 लाख विद्यार्थियों के 4000 करोड़ दबाकर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है। भर्तियां नहीं हो रही हैं अध्यापकों की, कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं की। तो ये परिस्थितियां हैं आज आपकी। आपको बहुत चीज़ें कही गई थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। आप शायद जानते नहीं होंगे कि बच्चों के स्कूलों में, बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं। कम बच्चे इनरोल हो रहे हैं पाठशालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है। हाँ, आप सोचिए, आप सोचिए, एक एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी ना किसी तरह से कर्ज है। संघर्ष करो। सारा कहाँ गया? आपकी संपत्ति कहाँ गई? जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ? आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। तो अब आपको तय करना पड़ेगा बहनों और भाइयों। कुछ महीनों में यहाँ पे भी चुनाव आएगा। मैं हर रोज पिछले 2 हफ्तों से कर्नाटका में प्रचार के लिए जा रही हूँ। आज आखिरी दिन है। वहाँ खूब भाषण दे के आई हूँ और क्या कहती हूँ मैं वहाँ, आप भी सुन लीजिए कि देखिए, ये प्रदेश, ये देश आपका है, और ख़ास तौर से तेलंगाना, जहाँ पे आपने, युवाओं ने बलिदान दिया इस प्रदेश को बनाने के लिए। ये आपका है, इसकी सुरक्षा, इसको संभालना, इसके भविष्य को मजबूत बनाना आपका भी कर्तव्य है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप एक सरकार को चुनते हैं, तो अगर आप जागरूक नहीं बनते, अगर आप ये नहीं देखते कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कैसी स्कीम्स बनाई, हमारी आज परिस्थितियां कैसी हैं, पहले से सुधरी हैं कि पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं हम। और उस जागरूकता के साथ आप नई सरकार नहीं चुनेंगे तब नुकसान किसी नेता का नहीं होगा बहनों और भाइयों, नुकसान आपका होगा, नुकसान मेरी बहनों आपका होगा, आपके बच्चों के भविष्य का होगा। तो ये चीजें बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए। आपने अपना पूरा आंदोलन देखा, आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिराम्बा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं। और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ, यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। तो अब आपकी भलाई की बात क्या है? आपकी भलाई की बात यह है कि आप एकदम जागरूक बने। आजकल जैसी राजनीति यहाँ चल रही है पूरे देश में कि काम कोई नहीं कर रहा है, दूसरों के काम पर अपना नाम डाला जा रहा है। चुनाव के समय आपकी बातों को करने के बजाय दुनिया भर की बातें चल रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको गुमराह किया जाता है, आपके जज्बातों को उभारा जाता है ताकि आपका वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, और उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद फिर से आपके जज्बातों पर वोट मांगेंगे, अपने काम पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास पर वोट नहीं मांगेंगे। ये जो बाय बाय मोदी, बाय बाय केसीआर आपने लिखा है, अगर आप सचमुच बाय बाय चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जो पार्टियां आपको बता रही हैं उनको परखिए, पढ़िए, देखिए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? आज ये हैदराबाद का यूथ डिक्लेरेशन किया गया, ये आपका सम्मान है कि हम आज ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और हम सब नेता यहाँ बैठे हुए, सब जो यहाँ मौजूद हैं, इस डिक्लेरेशन के लिए आपके प्रति जवाबदेह बनेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, 5 साल बाद ये काम नहीं किए गए तो हमें निकाल देना। क्योंकि आज अगर हम सब ये इस मंच में बैठे हैं तो आपने बिठाया है और इसका एहसास हम सबके दिलों में होना चाहिए। इस यूथ डिक्लेरेशन में ये कहा है हमने कि आंदोलन में शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए 1 सदस्य को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियों को 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं, इनको 1 साल के अंदर अंदर हम भरना चाहते हैं और इसका पूरा प्रयास करेंगे। जो SC, ST, OBC का बैकलॉग है भर्तियों में, इसको हम पूरा करेंगे। भर्ती के लिए हर साल एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि भर्ती के इम्तिहान कब हैं और इनके रिजल्ट कब आएंगे, ताकि स्कैम्स और घोटाले कम हों। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं देंगे। और ये उस तरह का भत्ता नहीं होगा जो आज तक आपने देखा नहीं है, जो केसीआर जी ने आपको वादा करके बताया था। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको मिलेगा और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार बने तो ये काम शुरू होगा। प्रदेश के 7 जोन्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम, और हर ज़िले में, जैसे रेवंत जी ने भी आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कंपनीज की भर्तियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल गल्फ सेल बनेगा, जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं, उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है। आप सोचिए कि किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आपके लिए, अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं, अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ और EWC, EWS के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फीस का रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जो 4,000 करोड़ सरकार के ड्यूज हैं, वो क्लियर किए जाएंगे। खम्मम, मेडक में नई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। हाँ, ये मुझे भी पसंद है, ये वाला। 4 नई ट्रिपल IT बनाना चाहते हैं हम, वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये सब काम हम करना चाहते हैं।